तब ना एक्शो एक्शो टाका ना सब दे देना, ओ ना हमारा पोती ना बांस करेगा। आप बताइएगा नहीं, हम आपको बता दिए, देखिए आप किसी को मत बताइएगा। तोरा के नहीं के मालूम आज तो हमार पिंकवा के यूनिवर्सिटी बा। लाइव पुकारो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ कुछ हंसने गुदगुदाने वाली बातों को, जिसको आप सुन करके ये जरूर सोचेंगे कि ये मेरे साथ कभी ना कभी जरूर हुआ है। इसलिए लेट्स वॉच एंड हंसो हंसो हंसो। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी बातों से जो आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि औरतें बेसिकली चुगलखोर होती है। एक औरत दूसरी औरत से, दूसरी औरत तीसरी औरत से, तीसरी औरत चौथी औरत से तो चुगली करती रहती है। ये हमारे तो खून में है कि हम चुगलखोर हैं। ये हमें तो ऊपर श्राप भी मिला हुआ है कि हम चुगलखोर हैं बेसिकली। अब क्या होता है, जैसे कोई औरत कोई बात सुनी, उसके बाद वो दूसरी औरत को जाकर के अगर चुगली करेगी तो जी किसी को बताइएगा नहीं, वो सारा चुगली कर चुकी है, सारी बातें हो चुकी है। शर्मा जी की बीवी, झा जी की बीवी, तिवारी जी की बीवी, पांडे जी की लड़की, सबकी चुगली हो चुकी है। बस लास्ट में उसका एक लाइन होता है कि आप बताइएगा नहीं, हम आपको बता दिए, देखिए आप किसी को मत बताइएगा, अगर आप बताएं ना तो देखिएगा हम फंस जाएंगे। लेकिन फिर वो औरत दूसरे को बताएगी, फिर दूसरी औरत तीसरे को बताएगी, ऐसा करते करते पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगा। एक्चुअल में ये जो औरतों का जो डाटा कनेक्शन होता है ना, और डाटा ट्रांसफ़र जो होता है ना, वो नेट कनेक्शन से भी ज़्यादा होता है। चलिए दूसरी बात बोलते हैं। एक हमारी बंगाली दीदी है, बहुत स्वीट सी, प्यारी सी, अच्छी सी है, लेकिन वो हिंदी भी अच्छी बोलती है, लेकिन उनके हिंदी में ना थोड़ा बंगाली वाला टोन आता है। एक बार वो दीदी मेरे को बोली, ए राखी तुम ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऑफिस के कोना में ना वो टिफिन में ना खोचड़ी रखा है, जाके तुम खोचड़ी खा लेना। मेरे को आधा घंटा लगा ये सोचने में कि ये खोचड़ी होता क्या है, फिर मेरे को पता चला कि ये खिचड़ी बोल रही है। अब पिकनिक का दौर चला, पिकनिक में दीदी सबसे पैसे के लिए बोल रही थी, फिर बोली ऐ सब ना एक्सो एक्सो टाका ना सब दे देना, ओ ना हमारा पोती ना बांस करेगा। हम लोग परेशान कि 100 रुपया दे करके बांस कौन करवाए। फिर पता चला कि दीदी एक्चुअली में बस के बारे में बोल रही थी। अब आपको एक बात बताते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम औरतों का तो बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, घर का काम करना है, बहुत सारा काम करना है, ये करना वो करना, उसमें अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटियल का फ़ोन आ गया, हाय बेबी क्या कर रही हो बेबी, और हस्बैंड सामने है, तो हम डील कैसे करेंगे। हाय बेबी कैसे डार्लिंग, अच्छा टाइम हो गया है ना, एक्चुअली मैं ना पता है रीमा मेरे हस्बैंड ना ड्यूटी जा रहे हैं। ओके बाय रीमा, लव यू रीमा, आई लव यू बेबी। हस्बैंड को भी आई लव यू बोल दिया और अपने एक्स्ट्रा मैरिटियल को भी आई लव यू बोल दिया। ये तो हम इंडियन औरतें हैं। चलिए एक लेटेस्ट फ्रेश वाली बात सुनाती हूँ आप लोगों को। मेरे नीचे एक चाची रहती है, चाची ने मुझे बड़े प्यार से अपने पोते के जन्मदिन पे इनवाइट किया। मैं भी बहुत खुश कि भाई जन्मदिन में जाना है, काफ़ी बड़ा फंक्शन है, पहला पोता है चाची का। हम लोग निकले, हम दोनों बच्चों को लेकर के साथ में गए, वहाँ पे बड़ी सी पार्टी, डीजे वीजे सब चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, पूरा मस्ती में है सब। मेरे को भी नाचने की इच्छा हुई, भाई मैं तो जहाँ मेरे को मौका मिलता है मैं ज़रूर नाच लेती हूँ, मुझे नाचने का बड़ा शौक है भाई, बाय गॉड। मैं गई वहाँ तो मैं भी धीरे धीरे डीजे पे चढ़ी। मेरे बच्चों ने कहा कि चलो मम्मी हम लोग भी डांस करते हैं, मैंने कहा चलो। हम लोग गए डीजे पे, पूरा डांस वांस करने लगे। अब चाची के तीन दामाद, तीनों बेवड़े, तीनों मेरे को देखे और वो लोग भी चढ़ करके डीजे पे पूरा मेरे साथ डांस करना शुरू कर दिए वो लोग। मैं भी पूरा डांस, तेरे फोटो को मैं भी करने लगी, बेतहासा नाचने लगी।
धीरे धीरे चाची की तीनों बेटी भी डीजे पे आ गई। उन्होंने अपने अपने हस्बैंड को खींच खींच करके नीचे उतारा, फिर भी मैं मानने वाली नहीं, मैं पूरा डांस की, पूरा डांस की। उसके बाद पार्टी खत्म होने लगी, मैं घर चली आई। ठीक एक महीने के बाद चाची के घर में चाची के नाती का शादी था। चाची ने मुझे नहीं बुलाया, बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तो मैं मोहल्ले में इससे उससे पूछी कि भाई चाची के घर शादी है, चाची ने मुझे नहीं बुलाया। तो चाची बोली, ना हो ओकरा के ना बुलाइबे, वो सोनुआ की मैया डीजे पे चढ़ जाते आ नाचे लगते, हमरा दमदवा सब पगला जाते। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती। चाची से याद आया कि हर घर में तो एक चाची जरूर होती है, सबकी चाची होती है। और अगर ये चाची सुन रही है तो मैं बताती हूँ, वो चाची रिटायर्ड प्रिंसिपल है और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है। एक बार क्या हुआ, मैं एक डजन अंडे लेके आ रही थी, चाची देख ली, बोली का हो सोनू की माई, का ले जाता रहा। हम बोले कि अंडे ले जा रहे चाची। तो बोली आ हमार घर में तो हमार बेटा पिंकुआ एक एक बार में दूदू करंट अंडा ले आता। हम सोचे ये कौन सा अंडा है जिसको करंट मारता है। एक्चुअल में चाची करंट बोल रही थी। उसके बाद चाची मेरे घर आती है, तो चाची देखी कि मैं रोटी ऐसे प्लेट पे लगा रही हूँ। तो चाची बोली, ए सोनू की माई तुम्हार घर में कैस्ट्रोल नहीं खे, कैस्ट्रोल में मैं रोटी रख ली है। एक्चुअल में चाची कैस्ट्रोल बोलना चाहती थी। अब चाची का फिर एक नया बात आया, मैं सुबह सुबह मंदिर जा रही थी, चाची अपने बेटे और बहू के साथ मंदिर जा रही थी। चाची ने मुझे देखा, मैं भी चाची को प्रणाम वगैरह की। चाची को बोली कि चाची आज आप यहाँ और भैया भाभी भी साथ में हैं। तो बोली हाँ तोहरा के नहीं खे मालूम, आज तो हमार पिंकुआ के यूनिवर्सिटी बा। मेरे को सोचना पड़ा, यूनिवर्सिटी एक्चुअल में चाची एनिवर्सरी बोल रही थी। अब चाची को पता था कि मैं कहीं काम करती हूँ, तो चाची को एग्जैक्ट नहीं पता था कि मैं क्या काम करती हूँ। चाची हमको बोली, ऐसे नहीं हुआ कि माई तू फलाने कंपनी में रिस्पिस है। रिस्पिस है, रिस्पिस? एक्चुअली में चाची रिसेप्शनिस्ट बोलना चाहती थी। चलिए ठीक है, नमस्कार, मैं फिर से आऊंगी इसी तरह आप लोगों के घरेलू जिंदगी से जोड़ते हुए नई नई कॉमेडी बातों को। टाटा बाय बाय। लाइव बुकारो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।